हे गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं मदुरई के मीनाक्षी टेंपल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। मदुरई में ही नहीं, पूरे तमिल में मीनाक्षी टेंपल बहुत ज़्यादा फेमस है। रामेश्वरम के बाद एक यही टेंपल की ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि रामेश्वरम में शिव शंकर जी का टेंपल है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक है। और ये जो है मीनाक्षी टेंपल माँ पार्वती का, तो कहते ये हैं कि पहले रामेश्वरम का जब वहाँ पर पूजा करके आएँ, तो उसके बाद यहाँ पे ज़रूर करें। और देखने में गाइस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा, हर 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 फ्लोर पे कितनी ही मूर्तियाँ हैं। ऐसे ही 4 टावर हैं, ये वेस्ट टावर है, ऐसे ईस्ट नॉर्थ साउथ टावर है, हर टावर में ऐसे ही ऊपर तक मूर्तियाँ हैं। और बहुत खूबसूरत, बहुत पुरानी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाइस। मेरे को लगा था कि मीनाक्षी टेम्पल अगर समय मिलेगा तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। पर यहाँ आके गाइज नहीं आता, और बाद में अगर ये मुझे पता चलता कि ऐसा है तो मेरे को रिग्रेट होता। तो गाइज चाहे टाइम मिले या ना मिले, इसके लिए टाइम ज़रूर निकाल के आएँ, जो कि मदुरई में है। रामेश्वरम यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, बट ये भी एक बहुत शानदार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया, मीनाक्षी टेम्पल। हमें बनाना मार्केट जाना है मीनाक्षी टेम्पल से, तो हम यहाँ पे रिक्शा लेने आए थे। और यहाँ पे एकदम मेरे को पहली बार मैंने ऐसे रिक्शे देखे, यहाँ पे ये फुट स्टैंड है, देन रिक्शा है, और आगे ये है। तो जैसा हमने मदुरई आके सुना था कि हमें एक यहाँ पे बनाना मार्केट है, तो अब हम वहाँ आ चुके हैं और कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिलने वाला है, जो कि ये है। ये एक बहुत ही छोटा सा लाइक गली है, बहुत ही पतली गली है, जहाँ पे दो जनों का चलना भी मुश्किल है, और सेवरल बनाना शॉप्स हैं, आई डोंट नो। और ये सुनने में आया है कि यहाँ का जो बनाना है वो पूरे इंडिया में तो जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, जो कि एक बहुत प्राउड फीलिंग है। और यहाँ से देश विदेश में ये बनाना जाते हैं। और एक चीज़ जानने को और मिली है कि यहाँ पे कुछ 16 टाइप्स के बनाना हैं। अब ये बात सच है या नहीं है, ये आगे किसी से बात करके कोई हमारी लैंग्वेज समझ पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स हैं, तो ये पता करेंगे और देखते हैं। गाइस अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट है ना। हमने सुना कि यहाँ पे 16 टाइप के बनाना है। तमिल नहीं தெரியாதா? தமிழ் தெரியாது. உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியுமா? இல்ல, தமிழ் இல்ல, ஹிந்தி. ஹாராஜ் ஹாராஜ் अन्ना, ये जो मार्केट है बनाना मार्केट, तो यहाँ पे से कितने टाइप के बनाना है, कितनी वैरायटी? 10 वैरायटीज, तो अलग अलग आप पे हैं। जैसे एक तो ये है, सबका टेस्ट डिफरेंट। ओके, 10 वैरायटीज हैं और सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। हे गाइस, तो हम जो अभी तक मिस कर रहे थे तमिलनाडु में आके कोकोनट, सो वी कुड हैव कोकोनट वाटर, और कोकोनट जिसे हम नारियल बोलते हैं। और अना, ये नारियल नारियल कोकोनट तमिल में क्या एलनीर। ओके, तो गाइस आज हम एलनीर का पानी पीने जा रहे हैं, और वी विल हैव। तो अना, एक आप अपने ले लो, एक भैया के लिए, एक मेरे लिए, और एक इनके लिए, ठीक है? हे गाइस, तो हम जा रहे हैं समनार हिल्स। मैंने सुना है कि एक प्लेस है मदुरई में समनार हिल्स, तो आई हैव टेकन द ऑटो एंड नाउ वी आर गोइंग टू समनार हिल्स, और वहाँ जाके पता चलेगा कैसी प्लेस है, क्या है। आई केम टू नो अबाउट कि वहाँ हिल है जो थोड़ा सा क्लाइंब करना पड़ेगा, थोड़ी ट्रैकिंग है, तो जाके पता चलेगा गाइस कैसा है क्या है, तो स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, सो वी आर एट समनार हिल्स, और मुझे नहीं पता था वाकई में कि इतना सुंदर होगा। और मतलब मैं यहाँ आया और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं सही आया, क्योंकि ये जो है समनार हिल्स बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ हमें जाना है। हालांकि मुझे आइडिया नहीं था कि स्टेयर्स होंगी कि नहीं होंगी, और यहाँ पे स्टेयर्स हैं, और वहाँ जाएंगे और देखेंगे वहाँ से क्या व्यू है क्या नहीं है, और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। ओके गाइस, और यहाँ बहुत सारे ट्रैवलर्स भी हैं, तो स्टे ट्यून्ड। थोड़ा ही ऊपर आए हैं,
हार्डली 200 मीटर्स और ऊपर से सीन ये है, आगे देखते हैं क्या दिखेगा। गाइस ये हम और ऊपर आए हैं और यहाँ से और अभी बहुत ऊपर जाना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, उसके लिए तो आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ से शायद आप लोगों को वो चीज़ नहीं दिख रही होगी जो मैं फील कर रहा हूँ, बट ये एक चीज़ है जो मैं मतलब एक सुकून दे रही है। और अभी यहाँ से और ऊपर जाना है तो यहीं से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऑल वे आई कुड सी दोज कोकोनट ट्रीज, ग्रीन लैंड्स, स्मॉल हाउसेस, डिफरेंट लेक्स, पॉन्ड्स, एवरीथिंग। हे गाइस, देखिए मदुरई से रामेश्वरम एक ट्रेन जाती है जो कि ऐसे पानी के बीच से होते हुए जाती है, और वो जो ट्रेन है अब एक नई रेल ट्रैक बन रहा है, अभी पता नहीं है ओल्ड वाला ऐसे कुछ आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो है, वो पहले भी चलता था और अब एक नया और बनाया जा रहा है, तो बहुत ही लगता है जब जाओ। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. Skin the bone.